हेलो गाइस, एज सून एज आई बिकम अ क्वासी सेज आई वाज समन्ड बाय द एम्प्रेस के एपिसोड 76 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे लिनके ने अपना वहाँ पे पाम अटैक रेडी करते हुए वांग बूटी के ऊपर अटैक किया होता है। जो वांग बूटी के पास तलवार थी अटैक करने के लिए, वो तलवार एकदम से टूट जाती है, जिसको देखने के बाद में वांग बूटी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी दिखाते हैं और तलवार को तोड़ते हुए लिनके का अटैक वांग बूटी के पास पहुँच जाता है और उसकी बॉडी के आर पार होना स्टार्ट हो जाता है। जिस चीज को फील करने के बाद में वांग बूटी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है लिनके के अटैक के कारण। जैसे लिनके का स्पिरिचुअल अटैक वांग बूटी के ऊपर पड़ता है और उसकी बॉडी वहाँ पे घायल होती है, वांग बूटी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता, मैं अभी बहुत जवान हूँ। वांग बूटी की ये बात सुनने के बाद में लिनके वहाँ पर अपने वही फिंगर अटैक को उसके ऊपर करते हुए उससे कहता है, तुम किस तरह की यहाँ पे बकवास बातें कर रहे हो। और ये कहने के साथ में ही लिनके वहाँ पर अपने एक फिंगर में अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर क्रॉस स्लैश का अटैक कर देता है, जो अटैक बहुत ज्यादा हाई पावरफुल होता है, जिसके चपेट में सीधे वांग बूटी आ जाते हैं। और वहाँ पर वो अटैक जैसे ही लगता है वांग बूटी की बॉडी वहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है। और इतने भयानक अटैक को करने के बाद में लिनके वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में आंख बंद करके कहता है, राख में मिल जाना तुम्हारा अंत है और तुमने अभी तक कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। जब सकुरा वहाँ पे देखती है कि लिनके ने वांग बूटी का खेल खत्म कर दिया है, उसको मार दिया है, तभी नीचे से हाथ हिलाते हुए लिनके से इशारा करके कहती है, हाँ लिनके, मैंने फिर से अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है तुम्हारे साथ में। और दूसरे साइड में हमें लिंग हुआन को दिखाया जाता है, जो कि सकुरा की बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहती है, ये अभी तक बिल्कुल वैसी ही है। दोस्तों, हमको मालूम है इन दोनों ने किस तरह का योगदान दिया है। जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं तभी धुएं के अंदर से पैट्रियार्च माँ बाहर निकल के आ रहे होते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होता है एक घूंसे के कारण, उनका गाल भी एक साइड से पिचक गया होता है। और जब पैट्रियार्च माँ वहाँ पे सकुरा और लिंग हुआन को देखते हैं सामने, तो हैरान होते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम लोगों ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना मेरे कपड़ों से भी? और मैंने अभी तक कोई कपड़े नहीं बदले हैं, और तुम लोगों ने अपने कपड़े बदले हैं क्या? पैट्रियार्च माँ की बात सुनने के बाद में सकुरा बड़े एटीट्यूड में उससे कहती है, बड़े लोगों के मामलों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं दूसरी साइड में लिनके को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी पावर को वहाँ पे दोबारा से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और आसमान से नीचे की तरफ देख रहा होता है। और तभी लिनके अचानक से अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए कहता है, आज और अभी से इमॉर्टल क्लैन के बीच में कोई भी वांग फैमिली नहीं होगी। पैट्रियार्च माँ जब लिनके को वहाँ पे इस तरह से अटैक के मोड में आते हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी चिल्ला के कहते हैं, कमांडर लिन, प्लीज दयालु बने, मेन अपराधी वांग बूटी मारा गया है, अब समय आ गया है कि सिटी की सुरक्षा के लिए नए गार्ड्स को नियुक्त किया जाए और वांग फैमिली के मेन डिसाइपल को मेरे पास छोड़ दिया जाए। पैट्रियार्च माँ की ये बात सुनने के बाद में लिनके अपनी पावर को वहाँ पे खत्म कर देता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं इस सारे मामले को तुम पर छोड़ देता हूँ। और जैसे ही वहाँ पे पैट्रियार्च माँ ये बात सुनते हैं तभी वांग फैमिली के मेन डिसाइपल्स को बाहर चिल्ला के बुलाते हुए कहते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कमांडर लिन कितने दयालु हैं, और तुम सभी लोग अपना कर्जा चुकाने और अच्छा काम करने के लिए सिटी डिफेंस कैंप में जाइए। और पैट्रियार्च माँ जल्दी से इसलिए कर रहे थे क्योंकि लिन के खोपड़े कब पता नहीं सटक जाए और वो इन लोग को मार दे। जब पैट्रियार्च माँ वहाँ पे मेन डिसाइपल्स को आगे की तरफ भेज रहे होते हैं तभी अपना लिनके नीचे उतर के आता है और तभी नीचे आने के बाद में उन मेन डिसाइपल्स में से किसी को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या? और हमको पता चलता है लिनके ने इसलिए ये चीज के बारे में कहा होता है क्योंकि उन मेन डिसाइपल्स के बीच में से एक डिसाइपल ऐसा होता है जिसके पास गोल्डन फायर क्रो की पावर रिलीज हो रही होती है। और इस चीज को देखने के बाद में लिनके वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये तो गोल्डन फायर क्रो यिंग यांग की पावर है। और इस फायर को देखने के बाद में लिनके वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, गोल्डन क्रो की यिंग यांग फायर जिसने मूल रूप से वांग बूटी की बॉडी को नष्ट कर दिया था और अब वो सच में वांग कीमिंग की बॉडी में दिखाई दे रही है। लिनके को इस तरह से घूरते हुए देखकर लिंग हुआंग वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए उससे कहती है, अगर तुम सीधे नहीं खड़े रह सकते हो तो यहाँ पर विलन की तरह नाटक करना बंद कर दो, मैं आपको नेशनल मास्टर के रूप में ऑर्डर देती हूँ, मेरी सीनियर सिस्टर के लिए शेंजिंग के सबसे बेस्ट रूम की व्यवस्था करो। लिंग हुआन की ये बात सुनने के बाद में लिनके वहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए जमीन पे बैठ जाता है और उदास होते हुए कहता है, मैंने अभी अभी बहुत ज्यादा पावर का यूज किया है और मेरे पैर अब कमजोरी के कारण कांपने लगे हैं।
लिनके को इस तरह की कमजोरी हालात में देखने के बाद में लिंग वान और सकुरा तुरंत लिनके के पास में आकर उसके कांधे को पकड़ते हुए उसको उठा के कहते हैं, अरे आपके पैर तो कमजोरी के कारण इतने करीब हो गए हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ और जहाँ वे नरम है वहाँ वे स्पष्ट रूप से बहुत कठोर है। लिनके उन दोनों को इस तरह से करते हुए देख कर वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी सकुरा की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, ये तुम किस तरह की फिगर के बारे में बातचीत कर रही हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ जो मैंने आपके लिए देख कर रखी है। और इस बात को कहने के बाद में दोबारा वहीं पे मेन डिसाइपल की तरफ घूर के देखता है जहाँ पर पेट्रियाज वांग वोदी का सेकंड सन वांग किंगमिंग को देखने के बाद में अपने मन में हंसते हुए कहता है, मैंने जान पूछ कर अपने अंदर कमजोरी दिखाई और अभी के लिए चलो मैंने मान लिया आप वांग किंगमिंग है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं आगे। जब लिनके इस चीज के बारे में सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी हमें वांग किमिंग की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास गोल्डन फायर क्रो की फ्लेम जल रही होती है और वो स्माइल करते हुए आगे की तरफ बढ़ के जाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके चेनफिंग टावर पे आ जाता है जहाँ पर लिनके सकुरा और लिंग हुआन को लेके आता है। जब लिंग हुआन उस जगह को देखती है तो गुस्साते हुए कहती है, अरे ये तो ब्रोथल हाउस है, क्या ये वही जगह है जो कि शेंजिंग में रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। लिनके लिंग हुआन को इस तरह से गुस्साते हुए देख के उससे कहता है, ये शेंजिंग का सबसे बड़ा ब्रोथल हाउस है तो क्या ये काफी अच्छा नहीं है। और दोस्तों आप खुद जानते हैं ब्रोथल हाउस का मतलब क्या होता है, सर्च करके देख सकते हैं। लिनके की ये बात सुनने के बाद में लिंग हुआन वहाँ पे गुस्साते हुए आगे बढ़ के कहती है, मैं अपने ओरिजिन इंपीरियल मेंशन में वापस जाना चाहती हूँ। लिंग हुआन की ऐसी हरकत को देखने के बाद में लिनके वहाँ पे उसको छेड़ते हुए कहता है, तुम जहाँ जाना चाहती हो उसे बहुत पहले ही तोड़ताड़ के किनारे कर दिया गया है। लिनके की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी लिंग हुआन के अंदर रंगबाजी घुसी होती है सारी की सारी किनारे हो जाती है और तभी वो लिनके की तरफ देखते हुए कहती है, चलो ठीक है बस एक रात की ये तो बात है, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी तुम्हारे साथ। और लिंग हुआन के ये कहने के साथ में हमारा सीन ब्रोथल हाउस के अंदर आ जाता है जहाँ पर नाचने वाली लड़कियाँ वहाँ पर खूब अच्छे से डांस कर रही होती हैं और दूसरे साइड में लिंग हुआन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मस्त दारू को अटकते हुए उस डांस को देखने के बाद में चीयर करते हुए कहती है, तुम अभी भी खड़ी होकर क्या कर रही हो, फिर से संगीत लगाओ और फिर से नाचना शुरू करो। जब लिंग हुआन वहाँ पे दारू के नशे में अपना रियल फेस सामने लाकर खूब इंजॉय कर रही होती है, हंसी मजाक कर रही होती है, जिसको देखने के बाद में लिनके हैरान होकर सकुरा से कहता है, सकुरा क्या ये लड़की जानती है कि उसकी पीने की क्षमता बहुत ज्यादा खराब है और देखो उसे वो किस तरह की हरकतें कर रही है। जब लिनके वहाँ पे सकुरा से इस बारे में बोल रहा होता है दूसरे साइड में सकुरा को दिखाया जाता है जो कि वो भी दारू पीने के बाद में मस्त टल्ली हो चुकी होती है और लिनके की बात सुनने के बाद में उसकी तरफ ब्लश करके घूर के देख रही होती है और दूसरे साइड में लिनके उससे कहता है, आपको तो इस बारे में मालूम होगा ना, लेकिन सकुरा की आंखों में तो दोस्तों हबस उतरा होता है। और लिनके की बात सुनने के बाद में वो सीधे लिनके के पास आकर ब्लश करते हुए अपने सर को लिनके के कांधे पर रख लेती है और उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है, जिसको देखने के बाद में लिनके सकुरा से कहता है, क्या लड़कियां सच में लड़कों को मौका दे रही हैं जब वे नशे में हो जाती हैं। और इस चीज को समझने के बाद में कि लिंग हुआन और सकुरा दोनों के दोनों मस्त टल्ली हो चुकी नशे में है तो अपने ठरकी लौंडे लिनके उन दोनों को अपने करीब ले आता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ओहो चलो ठीक है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इस अफसर के बारे में बातचीत करें चल के अंदर। और दोस्तों ये तो हम लोग को मालूम है लिनका कितने अच्छे से बातचीत करता है। जब लिनके उसको अंदर की तरफ ले जा रहा होता है तभी अचानक से हमें लिंग हुआन को दिखाया जाता है जिसको एकदम से झटका लगते हुए वो वहाँ पे ब्लश करके स्माइल करते हुए कहती है, तुम तो चिकन बिक्स के बारे में भी नहीं जानते हो, भले ही वह स्पर्श करने में कठिन महसूस हो आपकी बॉडी सच में बहुत मजबूत है और इस कारण मैं आपकी तलाशी लेना चाहती हूँ। जब लिंगवान इस चीज को कहने के बाद में अपना सर ऊपर उठाती है और लिनके की निगाहों से जब उसकी निगाहें मिलती हैं तो उसकी आंखों में दोस्तों एकदम तारे खिल जाते हैं और वो लिनके की आंखों में डूबते हुए उससे कहती है, हाँ मैंने वो ढूंढ लिया, वैसे भी एक कठोर चीज गोल होती है। और इस बात को कहने के बाद में लिंग हुआन जो लिटिल डेविल का एग होता है दोस्तों उसको बाहर निकाल लेती है लिनके की जेब से और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे लिनके ये क्या है। दूसरे साइड में हमें लिटिल डेविल के एग को दिखाया जाता है दोस्तों जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है। लिंग हुआन की ये बात सुनने के बाद में सकुरा लिनके के पास में आ जाती है और लिनके के सीने के पास आकर सहलाते हुए कहती है, अरे ये तो एक अंडा है और चिकन की चीजों से सावधान रहो और इसे धीरे धीरे देखना चाहिए और इसलिए इसे मुझे पहले देखने दो और मैं इसके साथ प्यार करूंगी। सकुरा ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है अचानक से लिंग हुआन के हाथ में जो लिटिल डेविल का एग होता है दोस्तों एकदम से झटक जाता है और दूसरी साइड में उड़ के चला जाता है और लिंग हुआन को दिखाते हैं वो वहाँ पर अपने पैर को कंट्रोल ना करने के कारण वो सीधे फिसलते हुए लिनके की बाहों में आकर गिरती है और साथ ही साथ लिनके को जमीन में गिराते हुए घबरा के कहती है, अरे नहीं वो अंडा, मुझे चिकन की चोंच भी चाहिए, देखो कहीं वो टूट ना जाए, मुझे चिकन वापस चाहिए। और इस बात को कहने के बाद में तभी दोस्तों में दिखाया जाता है अंडा गया तेल लेने जब अंडे के साथ में चिड़िया भी मिल रही है।
और इस चीज का फायदा उठाते हुए लिंग वान और सकुरा दोनों अपने हीरो के सीने के ऊपर चढ़ जाती हैं। पर उनको ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो लिनके वहाँ पे घबराते हुए उनसे कहता है, अरे आज ही मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, क्या आप दोनों इस चीज को मेरे आराम करने के बाद में दे सकती हैं। लिनके की ये बात सुनने के बाद में सकुरा और लिंग हुआन को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि दोनों टल्ली होने के बाद में एक अच्छे से शरीफ बच्चे का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और तभी लिंग हुआन उससे कहती है, तुम चुप हो जाओ, मुर्गे की चोंच की हमारी खोज में बाधा मत डालो, तुम हम मुर्गे की चोंच को ढूंढ कर रहेंगे। और दोस्तों आप समझ सकते हैं ये कौन से मुर्गे की चोंच की बात हो रही है। और इस बात को कहने के बाद में लिंगवान सीधे लिनके के पास आती है और उसके गाल पे एक मस्त मीठी सी पप्पी देने लगती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर लिनके उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचता है, ये सच में बहुत ज्यादा डरावनी बात है अगर लड़की पहल करे तो। और इस बात के साथ में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों लिनके को लेने के बाद में चद्दर ओढ़ने के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह के प्रोग्राम को स्टार्ट होने के कारण जो लिटिल डेविल का एग होता है वो गुस्से के कारण अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए अपने एग में क्रैक लाना स्टार्ट कर देता है। और अब देखना है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कि लिटिल डेविल का एग फूटने के बाद में लिनके का क्या हाल करने वाली है। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह से अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।